92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी, आंखों में टंके नमकीन सितारे। कबाड़ वाले का जैसे जैसे तराजू का पलड़ा वजन से ऊपर नीचे होता, उसी अनुपात में तराजू के पलड़े के साथ साथ चिमकिली की गर्दन भी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं की तरफ झुकने लगती, जैसे उसका माथा तराजू का तीसरा पलड़ा हो। कभी उसका माथा बाएं कंधे को छूता, फिर दाएं कंधे को। कबाड़ वाले पलड़े में डलती हर चीज के साथ चिमकिली की नजरें कांटे को ध्यान से देखने लगती, मानो वो कांटे को समझा रही हो, देख जब तक मैं हिलने को ना कहूं मत हिलना, चुपचाप खड़े रहना और कांटा उसकी बात समझ जाएगा। फिर वो सावधान होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो रद्दी वाला उसके पलक झपकते ही डंडी मार देगा, बेईमानी कर लेगा। कांटा बराबर हो गया, फिर भी क्यों और कागज डाल रहा है? हर बार तौलते समय डंडी मारता है तू। चिमकिली मुट्ठी भर नाराजगी कबाड़ वाले के चेहरे पर रखते हुए बोली। चिमकिली का इतना बोलना था कि टेसन भी उसकी बात से हाँ में हाँ मिलाता हुआ गुर्राया, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि हमको बेवकूफ मत समझना, हमें सबकी समझ है। जब दोबारा टेसन गुर्राया तो चिमकिली ने उसको डांट के दूर भगा दिया। टेसन दूर जाते जाते भी एक बार फिर गुर्राया, ये ख्याल करके कि मेरी जरूरत पड़े तो मैं यही हूं, बुला लेना। टेसन उसके कुत्ते का नाम है। एक दिन जब चिमकिली स्टेशन से कचरा बीन के घर लौट रही थी तो ये उसके पीछे लग गया और उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया था। उस दिन से ये चिमकिली के साथ साथ ही डोलता रहता है। ये उसको वहीं टेसन पर ही मिला था, इसलिए उसने उसका नाम टेसन रख दिया। तू कितने भी कागज धर उठा ले, ये किलो दो किलो से कहीं ज्यादा नहीं है। कागजों के दाम मिलते हैं खाली गत्तों के नहीं, खाली गत्ते किसी काम नहीं आते। रद्दी तोलने वाला 2 रुपए का नोट चिमकिली को पकड़ा के अपनी रद्दी समेटने लगा। इतने सारे कॉपी किताब के बस 2 रुपए? चिमकिली अपने हाथ में पकड़े उस 2 के नोट को देखने लगी। वो सोच रही थी, मुझे तो पढ़ने के लिए बस 2-4 किताबें ही चाहिए और मुझे वो भी नहीं मिल पाती, यहाँ इतनी सारी किताबों के बस 2 रुपए मिल रहे हैं। चिमकिली ने अनमने मन से अपनी गर्दन हिला दी। उसने 2 का नोट अपनी फ्रॉक में खोंसा और वहीं खड़े खड़े अपनी उंगलियों पे कुछ जोड़ने घटाने लगी, जैसे हर दिन की कमाई से अपनी उम्र का हिसाब लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार कुछ कम निकल आता है, पूरा पूरा हिसाब कभी नहीं लग पाता, हर बार रुपए का हिसाब उंगलियों पे कहीं खो जाता है। चिमकिली को लगता कि ढेर सारा हिसाब करने के लिए ढेर सारी उंगलियां भी तो होनी चाहिए, ताकि हिसाब कहीं बीच में खत्म ना हो जाए। वो यही सब हिसाब लगाते लगाते अपनी पीठ पे कचरे का बोरा रख के स्टेशन की तरफ बढ़ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी, आंखों में टंके नमकीन सितारे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, चिमकिली नाम की बच्ची रद्दी बेचती है और रद्दी से मिले रुपयों से अपने बारे में हिसाब लगाने लगती है कि कब उसे भी किताबों को पढ़ने का मौका मिलेगा और कब वो पैसे बचा बचा के किताबें खरीद पाएगी। अब आगे, चिमकिली चलते चलते उन 2 रुपयों को देख के सोचने लगी है, अगर वो रोज 2-2 रुपए जमा करे तो कुछ दिनों में उसके पास ढेर सारे 2 रुपए हो जाएंगे। फिर वो अपनी माँ से साफ साफ कह देगी, माँ देख अब मेरे पास ढेर सारे 2 रुपए जमा हो गए, अब मेरा भी स्कूल में नाम लिखा दे। और उसकी माँ इतने सारे 2 रुपए देख के चिमकिली की बात झट से मान जाएगी। चिमकिली के दोनों पैरों में 2 अलग अलग नाप की चप्पलें हैं जिन्हें उसने कचरे के ढेर में खोजा है। एक दिन उसको सिर्फ 1 पैर के लिए ही चप्पल मिली थी। काफी दिनों तक वो उसी नाप की दूसरी चप्पल खोजती रही, लेकिन जब काफी दिनों तक उसको उस नाप की दूसरी चप्पल नहीं मिली तो उसने दूसरे पैर के लिए बेनाप की चप्पल खोज निकाली। 1 में इतनी छोटी कि उसके पैर में ठीक से समा भी नहीं पाती और दूसरे पैर की चप्पल इतनी बड़ी है कि उसमें से चिमकिली का पैर बार बार बाहर निकल आता है।
फिर भी वो दोनों पैरों के इन दो नाप की चप्पल से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हरी और लाल चप्पल के सहारे। एक बार ऐसे ही गर्मी में स्टेशन वाले पुल से उतरते समय उसकी चप्पल डामर में फंस के टूट गई थी। फिर उसे महीनों नंगे पैर ही चलना पड़ा था। पिघलते डामर वाली रोड पे तपती धूप में चलते हुए उसे तकलीफ होती थी। उसे लगता उसके पैरों के नीचे कोई आग वाला फूल मल रहा है। वो अपने पैर को जमीन पे ऐसे रखती जैसे वो पैरों से चिड़िया उड़ कबूतर उड़ वाला खेल खेल रही हो। यदि वो जल्दी जल्दी अपने पैर नहीं उठाएगी तो उसको दाम देना पड़ेगा। एक खेल जो वो खेल रही है और उसे उस खेल का पता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे ये खेल खेलते रहना था। महीनों तक तपती गर्मी और सूरज मिलके उसके साथ ये खेल खेलते रहे थे, इसीलिए अब वो इस डामर वाली रोड पे संभल संभल के चलती है। वो फिर से अपनी इस दो रंगों वाली चप्पल को खोना नहीं चाहती। चिमकीली चलते चलते मिचमिचाती आंखों से सूरज को देखती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं जैसे वो किसी आग के गोले को देख रही हो। वो कुछ दूर चलती फिर कुछ देर सुस्ताने के लिए किसी पेड़ की छांव में ठहर जाती। तब तक टेसन आगे निकल जाता। जब पीछे देखने पर उसको चिमकली कहीं नहीं दिखाई देती तो वो भी उसके पास लौट आता। वो अपनी पूंछ हिलाते हुए ये जताने की कोशिश करता कि मैं तो अगली गली तक चला गया था, फिर देखा तुम पीछे रह गए हो इसलिए लौट आया। चिमकली बैठे बैठे अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाने लगती है। वो सोचती है कि जब उसके पास खूब सारे रुपए जमा हो जाएंगे तो उसको फिर कचरा नहीं बिनना पड़ेगा। फिर वो भी सब की तरह रोज स्कूल जाएगी और रोज ढेर सारा पढ़ेगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी आंखों में टके नमकीन सितारे। इस कहानी में अब तक आपने सुना चिमकली रद्दी और कचरा बीनती है, लेकिन उसका सपना है कि वो भी स्कूल पढ़ने जाए। वो यही हिसाब लगाते लगाते स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। अब आगे। अक्सर चिमकली का हिसाब दोनों हाथों की उंगलियों पे ही घूमता रहता है। यदि उसके पास एक एक के 15 सिक्के होते तो वो 10 के बाद फिर एक से गिन के हिसाब लगाती, मतलब एक के 10 सिक्के और फिर एक के 5 सिक्के, पहले दोनों हाथों की सब उंगलियों के बराबर और फिर केवल एक हाथ की पूरी उंगलियों के बराबर। इस तरह उसने सारी दुनिया का हिसाब अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों में समेट लिया था। चाहे कितना भी बड़ा हिसाब हो, वो उस हिसाब को अपनी 10 उंगलियों में ही समेट लेती। चिमकली और उसका कुत्ता टेसन रुकते चलते स्टेशन तक चले आए। रोड से नीचे उतर के पास ही रेलवे का यार्ड है, वहां से स्टेशन और स्टेशन वाला पुल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन गर्मियों की दोपहर में दोनों जगह कोई दिखाई नहीं देता। छोटा स्टेशन होने के कारण सिर्फ गाड़ियों के समय ही स्टेशन पे लोग दिखाई देते हैं, बाकी समय गाड़ियां बस रुकने के नियम के कारण ही रुकती हैं। चिमकली किसी गाड़ी को स्टेशन पे खड़ा देखती है तो उसे लगता है कि उसी की तरह ये गाड़ियां भी धूप में चलते चलते थक जाती होंगी ना। धूप में चलते चलते हर गाड़ी का दम फूलने लगता होगा जैसा उसका फूल जाता है, और फिर गाड़ी सुस्ताने के लिए स्टेशन पर रुक जाती होगी। वो यार्ड के पास तक चली आई। तपती हुई पटरियों पे एक मालगाड़ी खड़ी है। वो यहाँ काफी दिनों से खड़ी है। उसके डिब्बों के गेट लटक रहे हैं। चिमकली इस मालगाड़ी की छाया में कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ जाती है। टेसन उसको बैठा देख इधर उधर कुछ खोजने में लग जाता है ताकि वो वापस आने पे उसको बता सके कि कहाँ कितना कचरा है और कहाँ नहीं। चिमकली की काली देह में जगह जगह खरोंच के निशान हैं। वो जब छांव में बैठती है तो उसकी पीठ पे बने निशान देख के लगता है कि उसकी पीठ पे सूखी हुई झाड़ियों की छाया पड़ रही है, और जब वो छाया से बाहर आएगी तो वो निशान मिट जाएंगे। फिर एकदम से वो खड़ी हो जाती है जैसे उसको कोई जरूरी काम याद आ गया हो, और एक कोयले का टुकड़ा उठा के मालगाड़ी पे लिखे अक्षर को गौर से देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद वैसे ही अक्षर वो मालगाड़ी के एक हिस्से पर खींचने लगती है।
फिर अपने लिखे अक्षर को पहले से लिखे अक्षर से देख के मिलाती है। इस तरह वो मालगाड़ी का डिब्बा उसके लिए किताब और कॉपी दोनों बन जाते हैं, लोहे की किताब और लोहे की कॉपी। वो हर डिब्बे पे लिखे अक्षर को देखती, फिर उसी डिब्बे पे कोयले से उसकी नज़र उतारने लगती। चिमकीली कचरा बीनने के लिए अपना बोरा लेके उठी ही थी कि उसको दूर रेलवे पुल की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई दिया। उस आकृति को वो खड़े खड़े ध्यान से देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी आंखों में टके नमकीन सितारे। इस कहानी में अब तक आपने सुना चिमकीली जो कि कचरा बीनती है वो पढ़ना चाहती है, लेकिन किताबें खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए जो उसके पास नहीं है। अपने पढ़ने का हिसाब लगाते लगाते चिमकीली स्टेशन की तरफ जाती है अपने कुत्ते टेसन के साथ, और वहां खड़े मालगाड़ी के डिब्बे पे ही कोयले से कुछ कुछ लिखने लगती है। तभी वो किसी को अपनी ओर आता देखती है। अब आगे, दूर से आती आकृति जब कुछ और पास आई तो चिमकीली को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये सोडा ही है, और वो हाथ हिला के उसको अपनी तरफ आने का इशारा करने लगी। चिमकीली को हाथ हिलाता देख के टेसन भी दो बार भौंका। शायद उसने दो बातें कहने के लिए दो बार भौंका हो, पहली बात सीधे चले आओ और दूसरी बात एकदम सीधे, और ये कह के वो सोडा की तरफ लपका। चिमकीली और सोडा दोनों साथ साथ कचरा बीनते हैं। दोनों की झुग्गी पास पास ही है। कचरा बीनने के काम से पहले सोडा और चिमकीली एक दुकान में खाली शीशी साफ करने का काम करते थे। इसमें उन दोनों को रोज का 10 रुपए मिलता था। फिर एक दिन चिमकीली को बिना बताए काम से निकाल दिया गया। जैसे किसी दिन स्कूल जाने पे स्कूल के बच्चों को बताया जाता है, बच्चों आज छुट्टी है, वैसे ही एक दिन उसको बताया गया था कि उसकी छुट्टी हो गई थी। उसने दुकान वाले से पूछा था, तुमने मुझे काम से क्यों निकाल दिया, मैं सारी शीशियाँ अच्छे से साफ करती हूँ सोडा की तरह। उसे नहीं मालूम था वो सोडा की तरह कभी नहीं हो सकती थी, हम लड़कियों को काम पर नहीं रखते, बहुत लफड़ा होता है। चिमकीली को उस दुकान वाले की ये बात हम लड़कियों को नहीं रखते बहुत दिनों तक याद रही थी, और पहली बार अपने लड़की होने पे गुस्सा आया था। फिर उसे दूसरी जगह बर्तन घिसने का काम मिल गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको वहां से भी लड़की कह के निकाल दिया गया था। तब उसे दूसरी बार अपने लड़की होने पे गुस्सा आया था, और वो इस गुस्से में रोती रोती अपने घर गई थी। घर जाके उसने अपनी माँ को सबसे पहले यही पूछा था, माँ तुमने मुझे लड़की क्यों बनाया, मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया, लड़कों को सब जगह काम मिल जाता है, लड़की को सब जगह से निकाल देते हैं। उसकी माँ चिमकीली के सवाल सुन के चुप रह गई। जवाब उन्हीं सवालों के दिए जा सकते हैं जो सुनाई और समझ दोनों में आए, लेकिन चिमकीली का सवाल उसकी माँ की न समझ में आया था न सुनाई दिया था। शायद ये सवाल किसी और के लिए था जो उसने अपनी माँ से पूछ लिया था, इसीलिए वो चुप रह गई थी, और शायद सुनाई देने वाले से वो भी यही सवाल पूछ रही थी। अब सोडा एकदम पास आ गया था, उसने भी वैसे ही अपने कंधे पे बोरा लटका रखा था। उसके पास आते ही टेसन अपनी पूंछ हिलाते हुए उसको सूंघने लगा। सोडा ने उसको एक झिड़की दी, भाग टेसन कहीं का। तभी उन दोनों को दूर से आती एक लंबी घंटी सुनाई दी, और दोनों अपने अपने बोरे को कंधे पे लटकाए भागने लगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी आंखों में टके नमकीन सितारे। इस कहानी में अब तक आपने सुना चिमकीली कचरा बीनती है लेकिन पैसे जमा करके पढ़ाई करना चाहती है। वो स्टेशन की तरफ चली जा रही है, वहां उसे उसका दोस्त सोडा मिलता है जो पहले चिमकीली के साथ कहीं काम करता था, लेकिन लड़की होने के कारण चिमकीली को उस दुकान से निकाल दिया गया था। अब आगे, दोनों भागते भागते उस जगह तक पहुंच गए जहां से घंटी की आवाज निकली थी। ये एक स्कूल है। सोडा और चिमकीली अक्सर इस स्कूल के पास आके खड़े हो जाते हैं।
और देर तक बाउंड्री की जाली से स्कूल को देखते रहते हैं। स्कूल के बाहर खड़े होकर कुछ लड़के बर्फ का गोला खा रहे थे। उनको देख के चिमकली बोली, वो देख सोडा, सब लड़के लोग बर्फ खा रहे हैं। उनको बर्फ खाने में क्या मजा आता है? उसमें तो सिर्फ पानी रहता है, इनको इतना भी नहीं पता। सोडा ने मुंह बिचका के चिमकली की बात हवा में उड़ा दी। मैं तो ये बर्फ पैसे से कभी नहीं खाऊंगी। उसने सोडा की तरफ देखा, वो जाली में से स्कूल को देख रहा था। फिर चिमकली ने धीरे से कहा, ये रोज बर्फ खाते होंगे क्या? ये बात उसने उतने ही जोर से कही थी कि सिर्फ वो ही सुन सके, सिर्फ उसके दिल को सुनाई दे, बस इतने ही जोर से। वो भी सोडा की तरह जाली से मुंह निकाल के स्कूल के भीतर झांकने लगी। उसने कई बार स्कूल के बच्चों को देखा है, जब बारिश शुरू होती है तब स्कूल की खिड़कियों से सब बच्चे हाथ निकालने लगते हैं, सब पानी की बूंद को अपने हाथों में पकड़ने लगते हैं। बूंद को पकड़ने के लिए सब आपस में झगड़ा करते हैं। उसको लगता है सब कितने पागल हैं, ऐसे बरसात में भी कोई पानी से खेलता है। उसे तो बरसात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बरसात शुरू होते ही उसको डर लगने लगता है, क्योंकि उसको फिर भरी बरसात में कचरा बीनने जाना पड़ता है। सब तरफ पानी ही पानी जमा रहता है। बरसात के नाम से ही उसके पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ जाती है। वो स्कूल में रहती तो सबको समझाती कि बरसात एकदम बुरी होती है, वो एकदम अच्छी नहीं होती। धूप में खड़े खड़े उसके हाथों से पसीना टपकने लगा। फिर उसने अपने हाथ से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। इससे उसके चेहरे पे एक मैल की रेखा खिंच गई, जैसे किसी ने अपने ग्रीस लगे हाथ उसके चेहरे पे पोंछ दिए हों। फिर उसने अपनी मैली फ्रॉक की तरफ देखा, जो उसके दोनों कंधों के सहारे टिकी हुई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे और अपने हाथ के पसीने को अपनी फ्रॉक में पोंछती जा रही थी। चिमकली से उसकी माँ हमेशा कहती है, चिमकली जब तू कचरा बिन के ढेर सारा रुपये कमा लेगी फिर मैं तुझे कभी कचरा बिनने नहीं भेजूंगी। उसकी माँ ने उससे यह भी कहा है कि फिर वो उसको स्कूल भेजेगी। जब वो ढेर सारा कचरा बिन लेगी तब उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो वो इसी स्कूल में पढ़ने आएगी। सोडा, जो अब तक उसी तरह जाली में मुंह लगाए स्कूल को देख रहा था, उसके पास आके बोला, चिमकली चल स्कूल के अंदर चलते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी आंखों में टके नमकीन सितारे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, चिमकली कचरा बीनती है और उससे कमाए पैसों से वो स्कूल जाना चाहती है। चिमकली को स्टेशन पे उसका एक और कचरा बीनने वाला दोस्त सोडा मिलता है। वहां से दोनों मिलकर एक स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और उस स्कूल को बाहर से देखने लगते हैं। तभी सोडा चिमकली से स्कूल के अंदर चलने को कहता है। अब आगे चिमकली किसी स्कूल को इतने पास से पहली बार देख रही थी। उसको बाउंड्री के इस पार की दुनिया एकदम नई लगती है, बाउंड्री के उस पार की दुनिया से बिल्कुल अलग। इसीलिए स्कूल में आने वाले सभी बच्चे इतने खुश रहते हैं। दोनों को देख के चिमकली का कुत्ता टेसन भी उसके पीछे जाली में से स्कूल की बाउंड्री में घुस गया, लेकिन दूसरे ही पल वो उसी जाली में से बाहर आ गया। शायद उसको स्कूल और स्कूल की बाउंड्री में घुस के कोई मजा नहीं आया। वो फिर से बाहर निकल के टहलने लगा। अब चिमकली और सोडा दोनों स्कूल की बिल्डिंग के एकदम करीब पहुंच गए थे। देख सोडा, स्कूल की दीवार कितनी अच्छी है, चिमकली अपने हाथ से स्कूल की दीवार को छूते हुए बोली। सोडा एक खिड़की से क्लास में झांक रहा था। ये देख चिमकली, सब लोग इधर बैठ के पढ़ाई करते हैं। चिमकली सोडा की बांह खींच के खुद खिड़की से क्लास में झांकने लगी। अरे बाप रे, कितनी अच्छी क्लास है ना, सब बच्चे लोग को कितना मजा आता होगा। इसी तरह दोनों घूम घूम के बारी बारी से सभी क्लासों में झांक झांक के देखने लगे। प्रेयर ग्राउंड को देख के चिमकली ने सोडा की कमीज खींचते हुए पूछा, सब लड़के लोग सुबह सुबह कौन सा गाना गाते हैं, मैंने तो ऐसा गाना कभी नहीं सुना। सोडा चिमकली का हाथ झटकते हुए बोला, गाना नहीं, सब लोग पोएम गाते हैं। ये कौन सा गाना होता है, उसने तो पोएम वाला गाना कभी नहीं सुना, वो मन ही मन सोचने लगी।
फिर वो दौड़ के सोडा के पास जाके कहने लगी, सोडा सोडा, जब मैं स्कूल जाऊंगी ना तो ऐसी क्लास में बैठूंगी, खिड़की के पास वाली टेबल पे, एकदम किनारे वाली खिड़की के पास जहां से रोड दिखता है। फिर रोड पे आने जाने वाले मुझको भी देखेंगे जैसे हमको क्लास के बच्चे दिखते हैं। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि चिमकीली की नजर स्कूल के चौकीदार पे पड़ी। वो सोडा की शर्ट खींच के चिल्लाते हुए भागी, सोडा भी उसके पीछे भागने लगा। चौकीदार के उन तक पहुंचने के पहले ही दोनों उसी जाली से बाहर आ गए थे। दोनों अपने अपने बोरे उठा के भागने लगे। टेसन ने भौंकते हुए चौकीदार को झड़की दी, फिर वो भी दोनों के पीछे ही हो लिया। दोनों कुछ दूर जाके हांफते हुए सुस्ताने लगे। चिमकीली ने देखा कि सूरज धीरे धीरे लाल होकर आसमान से नीचे गिरने लगा है। वो अपने कचरे के बोरे को लिए स्टेशन की तरफ भागी। पसीने से उसका हाथ और चेहरा चिपचिपाने लगा था। उसने अपने चिपचिपे हाथ से चेहरे का पसीना पोंछा। स्टेशन पे पहुंच के वो जल्दी जल्दी कचरे को उठा उठा के अपने बोरे में भरने लगी। उसके हाथ में जो आता उसको उठा के वो अपने बोरे में डाल लेती। शाम होने वाली थी और अभी तक उसका बोरा आधा भी नहीं भरा था। वो कुछ ही देर में सारी दुनिया का कचरा बीन लेना चाहती थी। वो सोचने लगी वो आज ही अपने हिस्से का सारा कचरा बीन लेगी, इतना कि फिर उसकी माँ कभी चिमकीली को कचरा बीनने को नहीं कहेगी और कल से वो और बच्चों की तरह इसी स्कूल में सोडा के साथ पढ़ने आएगी और ऐसे ही क्लास में बैठेगी खिड़की के पास वाली टेबल पे, एकदम किनारे वाली खिड़की के पास जहां से रोड दिखती है, क्योंकि फिर रोड पे आने जाने वाले उसको भी देखेंगे जैसे चिमकीली क्लास के बच्चों को देखती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट।